हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अब्दुल स्वामी। और अपन जो वर्क कर रहे थे सीरीज वाला कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे, तो नेक्स्ट वाला जो मेरे लिए आई वाला, अपने को ये बताना है कि कन्वर्जेंस है या फिर डाइवर्जेंस है। तो इसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि ये कौन सा सीरीज कैसे टेस्ट लगाए, फिर पी टेस्ट, कंपेरिजन टेस्ट, डी लंबा टेस्ट। तो इसके लिए एक सिंपल सा वे है कि अपने को जो nth टर्म्स है, जैसे जनरल टर्म है या nth टर्म्स है, उसको स्टडी करते हैं और वहां से अपन एनालिसिस हो पाता है कि अपन कौन सा टेस्ट यूज करेंगे। तो हियर जो आपको गिवन है, इसको मान लेते हैं लेट लेट इसको वी से दैट एस इनफिनिटी, ना इनफिनिट सीरीज है ये, 1/2 √2.5 और √3/8। इसी टाइप से ये जो वैल्यू जा रही है यहां पर जनरल टर्म है √n/v 3n-1 का स्टेप इनफिनिट तक है। तो ये तो आपको गिवन है यहां पर। और ये कब कन्वर्जेंट होगा, जब कि अपन n टर्म की स्टडी कर लें, यानी n जो टर्म्स है ना इसकी स्टडी करते हैं, अगर ये पार्शियल सम होते हैं, इसको पार्शियल सम अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये सारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये सारी सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, तो ये तो वाला कांसेप्ट हो गया अपना। अब यहां से बात करते हैं अपन जनरल टर्म्स की। तो फिर जनरल टर्म्स इज जनरल टर्म इज इसको अपन कह देते हैं एक्स एन। ठीक है, तो है क्या ये रूट एन अपॉन में 3n-1 तो इसको स्टडी करते हैं। इसको स्टडी कैसे लेते हैं, इसकी लिमिट यूज करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, ये एक्स एन आ गया, यहाँ से भी लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, तो यहाँ से रूट एन अपॉन में यहाँ से अपन n यहाँ से कॉमन लें, क्योंकि दैट भी तो लिख नहीं पाएंगे अपन 3 1/n इसके फॉर्म में लेके आना होता है 1/n के फॉर्म से। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, ये रूट एन है, ये मेरे पास एन है, तो क्या रह गया लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी, तो ये वाली वैल्यू आ गई 1/√n और ये 3-1/n इसकी वैल्यू आ गई, ये एक्स एन लिमिट है ना, इसकी वैल्यू आ गई, यानी एक्स एन की वैल्यू आ गई अपने पास ये वाली वैल्यू। अब इसे ये यहां से क्लियर आपको गिवन है यहां पर क्या कि 1/ जो रूट एन है ये एक अलग से सीक्वेंस या बन रही है, या ये समेशन लूं तो 1/√n के एक सीरीज बन रही है। तो ये हो गया मेरे पास कंपेरिजन टेस्ट, एक सीरीज ये होगी, एक सीरीज ये हो सकती है अपने पास। तो क्या लिखेंगे अपन इसके अंदर, तो टेकिंग ये आपको लेना पड़ेगा, आपको टेकिंग द ऑक्सिलरी सीरीज, ऑक्सिलरी सीरीज कौन सी सीरीज लेंगे अपन, जिसको अपन क्या कहते हैं समेशन ऑफ वाई एन है, क्या अभी सीरीज कौन सी लेंगे 1/√n, तो 1/ समेशन ऑफ 1/√n मतलब क्या हुआ कि y n की जो वैल्यू है 1/√n है। तो ये मेरे पास ऑक्सिलरी हो गई सीरीज। अब इसके अंदर क्या यूज करेंगे अपन, ये क्लियर हो गया कि वी यूज द कंपेरिजन टेस्ट। और कंपेरिजन टेस्ट कैसे होता है ये भी देखें आप, ये तो अपने पास पी टेस्ट होता है, ये पी सीरीज होते हैं, इसको ये पी की वैल्यू अगर ग्रेटर वन है तो कन्वर्जेंट होगा, लेस देन या इक्विवेलेंट है वन पी की वैल्यू तो फिर डाइवर्जेंट होगा। ये कंपेरिजन टेस्ट होता है, लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी एक्स एन अपॉन में वाई एन इज इक्वल टू एल, ये एल कैसा हो, एल आपके पास फाइनाइट हो, नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नॉन जीरो है तब अपन कहेंगे कि एक्स एन और वाई एन या तो कन्वर्जेंट होगे या फिर डाइवर्जेंट होगी। अगर यहाँ पर वाई एन कैसा हो मेरे पास, कन्वर्जेंट है, तो ये सीरीज भी कैसी होगी जो भी आपको गिवन है कन्वर्जेंट। अगर ये वाई एन डाइवर्जेंट है तो फिर एक्स एन भी कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी, और कंप्लीट इनफिनिट सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी। तो ये वाला टेस्ट यूज करो कंपेरिजन टेस्ट। तो कंपेरिजन टेस्ट क्या होता है, लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी एक्स एन अपॉन में वाई एन, यहां मैं लिखता हूं लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी, ये क्लियर हुआ। अब x n की वैल्यू तो ये है मेरे पास, इसको सॉल्व आउट किया तो ये आया, और इसको सॉल्व आउट किया तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई। तो ये वाली वैल्यू कर देंगे अपन x n की जगह, यानी 1/√n यहां से 3 1/n और डिवाइड करेंगे अपन y n का, y n क्या है 1/√n, ये y n। अब यहां से ये कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए इसको कंपेरिजन टेस्ट कहते हैं। तो फिर यहां से ये रूट ये क्या रिजल्ट आ गया, लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी
वैल्यू जाएगी 3 माइनस का 1 बाई एन, और जैसे इसकी लिमिट रखेंगे तो 1 बाई एन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 3 अपॉन 1 माइनस इंफिनिटी 3 माइनस 0, यानी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, जो क्या है नॉन जीरो है और फाइनाइट है। तो मतलब क्या हुआ इसका कि जो बहुत असली जात डाइवर्जेंट या फिर कन्वर्जेंट कह सकते हैं। दैट मींस द सीरीज सीरीज एक्स एन एंड वाई एन आर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सिमल्टेनियसली। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट कैसे हुई, सिमल्टेनियसली, या तो अगर वाई एन कन्वर्जेंट है तो एक्सएन भी क्या होगा कन्वर्जेंट होगा, ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगा। तो अब इसको सॉल्व आउट करना इजी होता है, इसको एनालिसिस करना कि कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है तो सामने दिख रहा है, पी टेस्ट वाला बात कर रहा है तो पी टेस्ट को अपन यूज करेंगे, तो ये अपने को इजीली दिख रहा है कि ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। तो क्या रहेगा नेक्स्ट के लिए, यहां से क्लियर, समेशन ऑफ वाई एन, तो समेशन ऑफ क्या मेरे पास रूट एन है ना, यहां से रूट एन या एन की पावर 1/2, तो एन क्या होता है यहां पर 1 से इंफिनिटी, वैल्यू पुट करेंगे तो 1 बाय 1 की पावर 2, 1 बाय 2 की पावर 1/2, 1 अपॉन में 3 की पावर 1/2, जैसे पके अपने पास। तो इट द पी, ये क्या मेरे पास इट्स पी सीरीज, ये कैसी होती है पी सीरीज है, और अकॉर्डिंग टू पी सीरीज हियर हियर पी इज इक्वल टू क्या 1/2 है, जो कि है लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, तो मतलब ये क्या है डाइवर्जेंस है, ठीक है। तो मींस दैट इज द सीरीज समेशन ऑफ वाई एन इज डाइवर्जेंट इसका मींस क्या हुआ, इसका दैट इंप्लाई इसके फिर क्या मतलब हुआ, समेशन ऑफ एक्स एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंस, ठीक है। तो ये भी क्या होगा डाइवर्जेंस होगी, तो मतलब क्या होगा अगर ये सीरीज है, ये क्या है मेरे पास पार्शियल सम है, देखते थे क्या पर सॉरी सीरीज था, तो ये है क्या मेरे पास स्टार्टिंग में था, तो ये पार्शियल सम है, अगर पार्शियल सम अगर डाइवर्जेंस है तो कंप्लीट सीरीज भी कैसी होगी, फिर वो भी क्या होगी डाइवर्जेंस होगी। दैट मींस देयरफॉर गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंस, कैसी होगी डाइवर्जेंस होगी, ये ध्यान रखना, ये हो गया मतलब, या इसको आप केवल ऐसे भी लिख देते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एस n, n टर्म्स का सम, ये क्या क्या है मेरे पास n टर्म्स का सम, पार्शियल सम की बात कर रहा है, तो ये क्या n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी x n, और ये कैसी है अपने पास गिवन डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंस, ये तो की है ये डाइवर्जेंस है, तो ये भी क्या होगा डाइवर्जेंस है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।